हेलो गाइस, क्या हाल चाल। होप सब क्या सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक हो गया आप सबका टू माई ब्लॉग। और आज मैं आगे घर आगे सो गया था तो अरी भाई का फ़ोन आया, कहता है आ जाओ यार ब्लॉग वगैरह शूट कर ले। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग वगैरह शूट किया जाए। तो अरी भाई का बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है। आ गए अरी भाई, कैसे हैं अरी भाई। अभी तुझे कॉल किया और अभी तुम मोबाइल ओपन भी कर लिया तूने। बस भाई मैंने कहा यार बाहर जा रहे हैं तो ब्लॉग वगैरह शूट कर लिया जाए। और कैसे हैं आप सब। ठीक ठाक, हम सब भाई ठीक ठाक हैं। आपके व्यूअर्स भी ठीक हैं भाई और मैं भी ठीक हूँ, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है यार। अरे भाई जब भी आए ना हमें काम का ही बोला है इसने। पिछली दफा आए हैं, पिछली दफा हमें कहते हैं चलो सब्जी लेने चले, अब आए हैं अब कहते हैं पेट्रोल भरवाने चले चलो गाड़ी में। और इसका कोई काम ही नहीं है लगता है घर वालों ने। पेट्रोल जो ना महंगा हो रहा है तो हम जो ना जल्दी जाके ना अपनी ना गाड़ी भरवा लेते हैं। पाकिस्तानी है भाई, इधर यही होता है ठीक है ना। तो 20-30 रुपए की आवाज आई है तो उससे अच्छा जो ना पेट्रोल पहले ही नहीं है मेरी गाड़ी में। मैंने लगता है तुम मका देना पीछे, वो खड़ी हुई थी उस दिन की, कहीं गेज नहीं है तो इसलिए जो है ना जो फुल करवानी पड़ेगी हमें। तो अभी जा रहे हैं, अभी आ गया बस PSO, ये आ गया ट्रक जा रहे हैं, इससे मांग ले। हाँ यार इनके को पैप लवा रहा है पीछे, जैसे कहते हैं यार 8-10 लीटर हमें दे जा, बाकी जो है PSO से डलवा के जा। यार 8-10 लीटर से क्या होता है, ये तो चाहे आने जाने में खर्च हो जाए इतना इतना। ये भी है PSO हमें तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है भाई। इस तरह ही ना भाई साहब, ऐसे ही है भाई। वही तो बता रहा हूँ, जितना आपने इसे लेना है पेट्रोल तो उतना में आने जाने में खर्च हो जाता है हमारा। तो भाई आ जाके बात वहाँ पर ही आ जाती है, बस क्या करें। और आपको चाहिए कि वहाँ से आप डलवा लें, उधर क्या हमारे PSO का पंप नहीं है। नहीं ना है, क्यों नहीं है। वहाँ पे भाई दो नंबर ही करते हैं, सामने जो था ना फ्यूल जो था दो नंबर रखा हुआ है। ये PSO का पंप जो था ना मेन यहाँ पे, ये कराची की ब्रांच है भाई यहाँ पे। और भाई हमारे भी उधर बेहतरीन है, मोटरवे भी उतरो ठीक है, वहाँ से खान का डोगरा से लेके आपने जो था ना शेखपुरा तक, जो अगर किसी से भी डलवाना तो ये PSO पंप पर यहाँ से डलवाए। हम तो भाई जब भी यहाँ से डलवाते हैं भाई, ये सारों की अपनी अपनी सोच है, जिधर से बंदे को अच्छा लगता है वो उधर से डलवाए। भाई हमें उधर से बेहतरीन है, हम इधर उधर से डलवा लेते हैं आराम से ठीक है। इतनी दूर कहाँ से हम आए और जाए, फायदा ही नहीं है। ये हम पहुँच गए हैं, पहुँच गया भाई पेट्रोल। ये देखे उत्तर के साथ हमें कौन मिल गया, ये हमारे बहुत प्यारे अजीज दोस्त हैं गुजर साहब। और गुजर भाई क्या हाल चाल है। हाँ किधर से आए हैं आप। हम बैंक लूटने जा रहे हैं सर, आपने जाना बैंक लूट। हाँ यार बाबे आने जाओ, वही इधर ये वही इधर ये सारी वो मनी हिस्ट वाले सीजन वाला सीन हुआ वह सारे प्रोफेसर बने फिर रहे हैं। कोई कह रहा बैंक लूटने जा रहा हूँ, कह रहा मैं जो अपना इसलिए ना किया कि जो बैंक सीजन देखने के लिए। कोई कहता है मैंने माल लूटने के लिए, कोई कहता है अंदर मैं पैसे रखने के लिए। आपकी तकर की इज्जत नहीं है। मार्केट में आपकी यार कोई गल नहीं, इज्जत भी हो जाएगी। और सुनाए कैसा जा रहा ब्लॉग। हाँ अच्छे जा रहा है, घर गाड़ी वगैरह खड़ी करके बाइक वगैरह लेके आए हैं। और चेक करें आपके भाई का शोरूम, देखें ये सारी गाड़ियां आपके सारे भाई की हैं, ये मोटरसाइकिल तलक चलते हैं, बिजनेस है ना अपना है कि नहीं। पर सब क्या कहना चाहेंगे आप भाई, ये फिर बिजनेस है फिर बताया नहीं ना जाता है यू नो। एक दोस्त को मिलना था, उसके घर गए हैं तो वो हमें मिला ही नहीं है, है कि नहीं अरे भाई। वो देख अरवाज भाई, भाई हैंड फ्री है घर से उतारे तो सही, आपके घर से हम आए, आप किधर घूम रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है, ठीक हो। यार मैं इस तरह का बच्चा नहीं है, यार ये देख बंदा ये घर में बैठ नहीं सकता है, देखना शक्ल इसकी देख, वारा फिर के कैसे की हुई है, वारा शिकारी कुत्ते के जैसी हुई है ये। मैं फिरता नहीं है भाई ना,
तो घर देखे घर कितनी देर यार इसके घर के बाहर खड़े रहे हैं बता। दरवाजा भी नॉक किया है, कह रहे हैं भैया वारा निकला हुआ है, कह रहे हैं सुबह का घर से निकला हुआ है और पता नहीं किधर आए थे। मेरे ब्लॉग है देखो सामने ग्राउंड है, मैं ग्राउंड में बैठा हूं। तो कुत्तियां का काम ग्राउंड ही बहना है यार, घर से निकाल दिया, कह रहे हैं खराब ही है, ठीक है डिफाल्टर बंदा है ते, मेरे को होर बर्ड नहीं है कोई भी, छड़ दबो छुट्टी करो बाबा, चलो टाटा बाय बाय, हो गया तेरा टाटा, चलो भाई तू घर चल जा, ठीक है इधर अरबाज भाई ने तो हमें बोतल पिलाई नहीं, तो हमने कहा चलो हम अरबाज भाई को बोतल पिला देते हैं। नहीं भाई ये तो हमने आपको पिलाई है ना, पटिया चाचू को आया, चाचू कहना केले भी ले जाओ, हैं केले केले कहना है पटिया, इधर वेख भाई तो बॉडी बिल्डर से वेख चेक करो ना। ओहो चाचू कहंदे कल्ले 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 घर ना जाओ, केले लेके नाल घर जाओ, हैं केले केले घर ना जाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, कौन होते हैं ये लोग। पीला यार मैं आपको ना लाके दियो, मैं तो मैं नीचे जाना, पकाना लाके दियो भाई, लेटियां ला पहले पहले लेटियां ला यार, मेनू सही गल है, तू लेटियां लवेगा, लेटियां ला बहाना लेना, लेटनियां ला तेन ला के दवांगा। और अरे भैया मैं ले के आया यार, ये भाई ने देखे बाइक का पेट्रोल खत्म कर दिया, अभी अभी भाई गाड़ी को फुल करा के लाए हैं, तो इसका भी फुल करा ही लेते तो अच्छा नहीं था। चलो भाई मुझे वो इतनी दूर से चला के तो लाए होना पैदल, चलो डलवाओ भाई पेट्रोल, मैं जिधर कह रहा जिधर गाड़ी की तरह मैं कह रहा था कि पूरा कर लेते हैं पेट्रोल भरवा के, इसको भी फुल कर ही लेते अच्छा नहीं था। चलो आओ पेट्रोल वगैरह फुल करवा लिया बाइक भी, और चल चल के आपका भाई थक गया है, ये इसकी वजह से बस है, इस भाई की वजह से बोतल पिलाओ ना भाई मुझे, अब भाई है मुझे पिलानी चाहिए, थका मैं हूँ, बाइक तो आपकी है ना, मैंने कौन सा खत्म किया आपकी, तो चलो जो भी है चलवाया किसने है, आपको मैंने कहा था आराम आराम से एक्सीलेटर देना ताकि हम वहां तक पहुंच जाए, क्या नहीं ऐसे ही भगाते जाना है। अरे भाई हमें घर छोड़ गए थे आज, अरे भाई ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया है, अरे भाई को मैंने बोला यार राम राम से बाइक चला ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र तय करके आराम से पहुँचे पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल अंदर हमें पता ही नहीं था कि पेट्रोल ही है ही नहीं है बाइक के अंदर, ठीक है गाड़ी के अंदर भरवाया जिधर गाड़ी के अंदर भरवाया बाइक के अंदर भी भरवा देते, फिर हमें रात ऊपर से रात भी हो चुकी थी, और फिर हम रात को बाइक को ले कर सड़क पर घूम रहे हैं, और वहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से पेट्रोल पंप मिला है, पेट्रोल पंप मिला तो हमने वहाँ से बाइक के अंदर पेट्रोल भरवा के और अरे भाई मुझे घर ड्रॉप करके गए हैं, और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, थोड़ा सा काम था उस वजह से, और गर्मी भी आपको पता है गर्मी के अंदर वैसे ही बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें, और आपको मिलते हैं नए व्लॉग के साथ नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।